He wants, sir. Please, sir. Good morning, guys. Thank you, Prince sir. आपने ये चांस दिया. मेरा नेम हरप्रीत सिंह डांडीवाल और 12th ईयर को पार कर चुका हूँ मैं ईबीस के अंदर. और बॉस अप्स एंड डाउन मैंने अपनी टीम में, अपने ग्रुप के अंदर, अपने ईबीस के अंदर देखे हैं. सर एक चीज का अनुभव अब तक है मेरे पास, जब जब भी ऐसा कुछ हुआ हमारी ईबीस के साथ, हमेशा उसके बाद बहुत कुछ अच्छा होता है. 2008 की बात है सर, जब हम वेन्यू मीटिंग के अंदर थे गुरुदेसर बठिंडा के अंदर, आपको कॉल आया कि जंतर मंतर पे पहुंचना है, आप लोग दिल्ली पहुंचो. यस, वेन्यू खत्म हुआ, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था. उस टाइम पे बोला गया हम सब लोगों को दिल्ली चलना है सर, इतने गेस्ट बैठाए, इनका फॉलोअप भी तो लेना होगा. कंपनी रहेगी तो फॉलोअप आगे भी ले लेंगे, लेकिन दिल्ली चलो सर, घर को जाए, घर बता तो दे, कुछ लगेज वगैरह तो ले ले साथ में जाने के लिए, दिल्ली कितने देर रुकना होगा. अरे बाद में देखा जाएगा सब कुछ, ट्रेन निकल रही है, 5 o'clock ट्रेन है, 1 hour आपके पास, जल्दी से जल्दी आप स्टेशन पे पहुंचो, दिल्ली पहुंचो. तंत्र मंत्र पे अपलाइन किया और से बोला गया है पहुंचना है वहां पे. उसी ट्रोजर में सर, उसी वाइट शर्ट के अंदर हम लोग जहाँ पे दिल्ली के अंदर पहुंच चुके थे. उसके बाद कुछ हुआ, उस दिन निकले वेबसाइट उस टाइम पे बंद रहा, लेकिन जब खुला सर, उससे पहले जो मेरा इनकम जाया करता था वो 25,000 राउंड में मैं रहता था. उसके बाद एकदम से बूम आया मेरी फैमिली के अंदर, मेरे पूरे परिवार के अंदर, लेफ्ट राइट के अंदर, मैं सीलिंग पे पहुंच गया था, वेल लेग तक मैं वहां पे जाके फिक्स हो गया था. फिर 2011 के अंदर एकदम से 70% ईबी चला गया. फिर लगा कुछ ना कुछ अब और अच्छा होने वाला है. हम लोग गोवा में थे, एंजॉय कर रहे थे, एक तक में पता चला बहुत बड़ा ईबी हमारे परिवार से अलग हो चुका है. तो तब भी हमारा नाम एक पोजीशन उस टाइम पे मेरा सीलिंग पे होता था, 1,00,000 रुपये में होता था. दोबारा से बाउंस बैक करना, या अपलायंस की ट्रेनिंग थी, जिंदर सर गुरिंदर सिंह की ट्रेनिंग थी, अब हम लोगों को ईबी संभालनी है, दोबारा से उसी मकाम पे लेके जाना है. फिर मीटिंग्स लगी, बहुत सारी बोर्ड मीटिंग्स लगी, और मैं 2 नेम अपने सीलिंग पे लेके गया था, दोनों नेम को वहां पे टिका दिया. और अब थर्ड टाइम है, और तीसरा टाइम है, हम खड़े हैं सर जहाँ पे बोल दोगे हम लोग पहुंचेंगे वहां पे रहेंगे. लेकिन ऑलवेज अरे जिंदा ईबिन में हुए हैं, पहला खाब ईबिन में देखा है. विशाल सर आपने सही बोला, हमारा परिवार ईबिन से चलता है, हमारे बच्चों का खाना, हमारी फैमिली का किचन का राशन ईबिन से चलता है. तो इसके बिना हम लोग कुछ नहीं है, जहां पे बोलेंगे हम वहां पे पहुंचेंगे और हम अपने ईबिन के लिए खड़े रहेंगे. हम कल भी सही थे, हम आज भी सही हैं, हम कल तक भी सही करते रहेंगे. लेकिन इस परिवार को ना टूटने देना, ना हिलने देना. लेकिन 3 चीजें किसी भी बड़ी लीडरशिप के अंदर होनी बहुत जरूरी है. फर्स्ट थिंग्स, किसी भी बड़ी लीडरशिप की क्वालिटीज हैं जो हम डायमंड वर्ब में देख पा रहे हैं. ये फैमिली, ये डायमंड वर्ब हमारे पास है, तो हम किसी भी मुसीबत से आगे निकल जाएंगे. फर्स्ट थिंग, फर्स्ट क्वालिटी, सुपर डुपर पॉजिटिव एटीट्यूड, जो हम अपने डायमंड वर्ब, डायमंड डिप्लोमेट वर्ब में देख पा रहे हैं. सब भर सकते हैं अपने अंदर, यस और नो, अपने वायदों के प्रति. सेकेंड थिंग, कमिटेड रहना. और थर्ड थिंग, फोकस, फोकस ऑनली ईबिट पे. इन लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो इतने मकाम पे पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी ईबिट के लिए जान लिए बैठे हुए हैं, जान देने के लिए बैठे हुए हैं. तो हम लोग साथ हैं सर, ये परिवार कभी नहीं टूटेगा, हम ऐसे ही बने रहेंगे और बहुत आगे निकलेंगे. तो आज इतना ही टाइम था, फिर मिलेंगे बड़ी अचीवमेंट्स के साथ, तो बहुत लंबे चौड़े मैसेज के साथ. थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच.